कुछ सोच रही हूँ कि अपने घर के कॉर्नर पे ये लगाऊँ, कुछ डिफरेंट लगाऊँ, मतलब अनियन या फिर कुछ और। और माशाल्लाह से मामा का किचन भी रात को नीट एंड क्लीन होता है। सुबह के 7:30 बजे मैं ये काम कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, घर पे सारे सो रहे हैं। कपड़े बच्चों के नहीं थे क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई प्लान था जाने का। अचानक आई थी तो बस ये मिला कि हमें फ्रॉक रखी हुई थी जो कि इनकी दादू ने नहर को दी थी, थोड़ा बड़ा साइज था, मैंने उसको ये पहना दिया, नहर को मैं वो ही पहना रही हूँ। और अपने ही मैंने अपनी बहन के कपड़े लिए, वो मैं तो सारे का सारा ब्लॉग आगे करते करते चेंज करने के बाद हाई कर दो। मेरा के कल वाले स्पैरो यहाँ पर जो है, मैं अभी रेडी हो रही थी, मेरे फूफो आ चुकी हैं तो हम यहाँ पर जो है वो रिफ्रेशमेंट करवा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं खुशी खुशी। देखें अभी से ये वाली हालत है। ठीक है, मामा ने मैक्रोनी बनाई थी, मैं भी खाऊंगी और फिलहाल जो है वो हम रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो अभी मैं मैक्रोनी खाऊंगी और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हम बिल्कुल तैयार हो गए थे और गेस्ट आ गए। तो मैं कैसा फील हो रहा है जब ऐसा हो कि हम कहीं जा रहे होते और अचानक से कोई आ जाए? बिल्कुल। तो अभी हम रिफ्रेशमेंट करवाने लगे हैं, इसके बाद हम निकलेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि बच्चे तो माशाल्लाह से मेरे तैयार हैं और बस मैं ये खाती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। बच्ची तैयार है, कहाँ से घूम कर आ रही हो, इसने शूज़ वगैरह सब पहन लिया। इधर जो है ना, यहाँ पर कुकिंग चल रही है अभी तक, भाभी यहाँ पर पुलाव बना रही हैं, है ना, यखनी वाला पुलाव, यखनी पुलाव। सो गाइज, ये वाला आउटफिट है मैंने जो पहना है, ये मेरी बहन का ड्रेस है और इसने अपनी बर्थडे पर वेयर किया था, क्योंकि मैं पहले कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं लेकर आई थी। और रिसेंटली मामा ने कहा है कि हम चलते हैं, क्योंकि मेरी जो है वो कज़न आई हुई है और मैरिड होने के बाद आपको पता है कि लड़कियां बहुत कम कम आती हैं, और वैसे भी हम कज़नों की ना इतनी आपस में मुलाकात होती ही नहीं है, किसी इवेंट पर, किसी फंक्शन में या घर पे कोई दावत हो तो मुलाकात हो जाती है, मैरिड होने के बाद जो है वो सब बिज़ी बिज़ी से हो जाते हैं। तो हमें ये पता लगा है, हमारे ज़राए से पता लगा है कि मेरी कज़न जो है आई हुई है। जस्ट एक जोक था, मतलब मेरी बात हुई थी, मेरी कज़न जो है वो आई हुई है, हमने कहा हम चलते हैं मिलकर आते हैं। तो मैं बस आई थी अम्मी के घर, मैंने सारा कुछ आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं स्टे करने वाली थी, मैंने बस एक एक ड्रेस ले लिया था जो हमें चेंज कर रहा था, आज संडे है, आज मैं जानता घर, लेकिन अम्मी कहती कि चलो हम मिलकर आते हैं, उसके बाद चली जाना तुम। सो बस अभी जो है वो हम तैयार वगैरह हो गए थे तो निकलने ही वाले थे, और बस मेरी पप्पू आ गई हैं और इसके बाद जो है वो हम थोड़ी देर तक रुक गए हैं, हमने कहा कि चलो चाय वगैरह पी लेते हैं, रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, इसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अगर हम निकल जाते तो हमें दुख होता कि हमारी पप्पू से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो अभी जो है हम बस निकलते हैं थोड़ी देर तक। क्या कर रही हो, मेरा अलाउ दो, जल्दी से दो, जल्दी से दो, मेरा घर पर भी ये सारे काम कर रही थी, पाउडर निकाल निकाल कर ना ख़राब कर रही होती है। नायरा जो है वो अपनी बाबूजी के साथ है, पास्ता मैंने खा लिया है, बहुत ही मज़े का बना हुआ। मेरी बहन का वार्डरोब है ये, इस तरह से इस पिक्चर्स लगा कर, और ये इसने एडमिट कार्ड और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है अपने वार्डरोब में। ये पिक्चर्स जो है इसकी फ्रेंड ने इसकी बर्थडे पर बहुत प्यार सा कस्टमाइज गिफ्ट दिया था। जो है ना, मेहमान के जाने वाला काम कर रहे हैं, समोसे, आलू वाले समोसे जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हम सब कर रहे हैं, तुम कर चुकी हो, तुम कर चुकी हो, और ये आलू वाले समोसे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कौन कौन ये करता है, मेरी बच्ची मुझे मम्मा मम्मा, मतलब मैं नहीं बना सकती वीडियो। इस फाइनली अब हम निकलने लगे हैं, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली और असर का टाइम हो गया, निकलते निकलते नायर और मेरा कब से तैयार थी, अभी बिल्कुल तैयार हो गए थे, अब जो हम फाइनली निकलने लगे और आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, अपनी कज़न से मिलते हैं और बहुत सारी जो है वो मस्ती भी करते हैं ना। नायर नायरा कितना खुश हो रही है, तो चलो बस चलते हैं। आज जो है ना, मेरी चप्पल भी शादी वाली पहननी पड़ रही है, तुम दे दो मुझे अपनी कोई स्लीपर। देखो मैं ये तो तुम्हें ब्लैक पहना ना, मैं तुमसे मांगने वाली थी, मेरे मैचिंग, मेरे मैचिंग हो जाती थी, मेरा आउटफिट ब्लैक है ना, मेरी बेटी ने भी ब्लैक शूज पहने हैं। मीरा को तो देखो, पिकनिक पे जा रही हो क्या? अब भागी जब इसने अपने डैडी को देख लिया है। पिकनिक पर जा रही है, देखो तो दो चार दिन से मुझे कह रही है मामा वाटर, मेरे बाल देखे हैं नायरा ने, कैसे पकड़ लिए, रेडी हो गए, बाल पकड़ लिए बिल्कुल सारे के सारे ना, बाल इसने मुझे गंजा कर दिया है नायरा ने। बाहर की राइडिंग कितनी अच्छी है ना, ये वाला मेरा आउटफिट है और आज मैंने यही वाले जूते पहन लिए जो मैं कल शादी पे पहन कर गई थी। मतलब इंसान अपने घर से जाता है ना, तो उसके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। अब जो मैं शूज़ लेकर आई थी, मैंने वही पहन लिए। पर माशाल्लाह मेरे शूज़ ज़्यादा प्यारे हैं। जो है वो साफ़ कर रहे हैं, अब आ जाओ चलो, कौन कौन जा रहा है, ये मेरा भैया मम्मा भी जा रहा है, मतलब बच्चों का भैया, भैया मतलब बच्चों का भैया मम्मा, और माशाल्लाह से बहुत हीरो लग रहे हो तुम, फुल दबंग वाले, चलो बिल्कुल भी करना पड़ता है। सनशाइन आ रहा है, तक जो है वो धूप मिलती है। मेरा आगे बैठ गए, मेरे साथ 2 मिनट में सोने वाले। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है?
अस्सलाम वालेकुम नई दुल्हन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? वो कहाँ है दूसरी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक। ये क्या कर रही हो, आयरन कर रही थी? जल्दी खाला जानी से मिलो, अस्सलाम वालेकुम करो, पारी करो, पारी कर लो, खाला को पारी कर दो, पारी कर दो खाला को। कैसी हो बुशरा छोटी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज देख अचानक जो है हमने तुम्हारे घर पे एंट्री मारी है। क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब नींद से उठने के बाद अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरी बेटी कितनी प्यारी, सबको भैया बोलती है। आप कैसे हो रोहान? मामा कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम। रुबाब ने बनाए कटलेट, जबरदस्त से बनाती है यार बाब। ये देखो कुछ अच्छे साले फ्राई भी हो गए, इसकी सर्विंग करो माशाल्लाह से। यहाँ पर देखो इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट, ये कटलेट्स कब बना लिए इतनी जल्दी? मैंने हमने कॉल ही 4 बजे की थी और इतना सारा कुछ बना लिया। मम्मी ने पकौड़े भी बनाए आपके लिए मामा, और जो है कटलेट्स रुबाब ने बनाए। तुम नहीं दुल्हन हो अभी, तुमने कुछ नहीं किया है, इतना कुछ बना लिया फिर भी। मेरे को भूख लग रही है, रेस्ट कर रही हो ना? मैं क्या आई हूँ ना, रेस्ट कर रही हूँ। सो अब यहाँ पर जो है वो खाना खाने लगे हैं। हमने मम्मी को मना किया था, घर जाना था, लेकिन जो है वो मम्मी ने इतने सारे इंतजाम किए माशाल्लाह से, और इतनी मज़े की कोई कढ़ाई बनाई है। ये बिल्कुल कढ़ाई मैंने कल वलीमे पे खाई है, सेम ऐसी थी, बस इसमें थोड़ी सी ना अदरक वगैरह की गार्निशिंग हुई हुई थी सेम। और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर खाना लगा दिया मम्मी ने, हम चल रहे हैं उधर, ये रोटी निकाली और हम चलने लगे। अभी हम खाना खाते हैं, इसके बाद घर चलते हैं। मम्मी ने इतनी ज्यादा इंतजाम कर दिया है, इतनी देर हमने जो है वो बातें की है। वहाँ पर जो है पीछे देख सकते हो सब के सब क्या कर रहे हैं, सब यहाँ पर सिर्फ बातों में लगे हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। मतलब कजन्स के घर आने के बाद हम करते भी क्या है, बातें करते हैं। नायरा पीछे देखे सबके पास है, मतलब मज़ा आ जाता है मुझे कहीं जाने के बाद। आतिफ मुसलसल जो है, हट्टा जरा आतिफ को मैं दिखाऊँ, आतिफ मुसलसल बोर हो रहे हैं। हट्टो तो बोर नहीं हो रहे आतिफ, आप PSL देख रहे हैं ना, आप हैं PSL देख रहे हैं, तुम भी PSL देख रहे हो, सब PSL के शौकीन है, सारे PSL देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा डिनर लग चुका है और अब हम बस खाना खाते हैं और फौरन ही निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं और मुझे जो है वो यहाँ से घर जाना है। जाने के बाद ये देखिए मैच हो रहा है, सारे मिलके मैच देख रहे हैं, बस खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद घर जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। बस खाना वगैरह हमने खा लिया और अब हम घर जाने लगे। मम्मी आपको हमारी एंट्री कैसी लगी? बहुत खुशी होती है जब बच्चे हमारे घर आती है, बहुत खुश होती है। अचानक वाली एंट्री मारी हमने, जा रही है, मैं उदास हो रही हूं, हम फिर आएंगे। मम्मी ने माशाल्लाह में बहुत अच्छा डिनर और रिफ्रेशमेंट करवाया, बहुत मज़ा आया। अभी हम बस घर जाने लगे क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना है तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है चलिए चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज जो है वो माशाल्लाह मेरे इस छोटे से भाई का बर्थडे भी है और अभी जो है यहाँ पर केक आया है, तुम्हारे फ्रेंड ने दिया ना ये। वैसे हमने इसकी सेलिब्रेशन करनी है, उसका व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा बहुत जल्द। इसकी सेलिब्रेशन करवाएंगे और बस घर निकलेंगे। मेरी दोनों बेटियाँ यहाँ सो गई हैं, सबसे ज़्यादा इन्जॉय इन्होंने करना है बर्थडे को। तो यार यहाँ पर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे शाइनिंग स्टार, तुम तो सिंगिंग स्टार हो। अच्छा मैंने जो है वो खाला के घर पे व्लॉग को एंड कर लिया था, लेकिन व्लॉग एंड नहीं हुआ है क्योंकि जब मैं घर पहुँची हूँ तो ये मेरे बर्थडे बॉय भाई की जो है वो बर्थडे है और इसके दोस्त ने इससे ये गिफ्ट किया है। घर निकल रही थी, टाइम हो चुका है 11:30, तो थोड़ी देर में जो है वो हम इसकी केक की कटिंग करवाते हैं, इसके बाद घर जाएंगे। और ये बड़ा कोई टेस्टी सा केक लग रहा है, इस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे शाइनिंग स्टार। मीरा सो गई थी, मीरा को ज़बरदस्ती उठाया है क्योंकि मीरा जो है वो सेलिब्रेशन को बहुत इंजॉय करती है। तो अभी हम केक की कटिंग करवाते हैं और इंशाल्लाह जो है वो आपको एक बर्थडे व्लॉग भी मिलने वाला है बहुत जल्द। हमने ज़बरदस्ती उठाया है इसको, भाभी सही कह रही थी, रहने दो उसको, बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। यार मुझे ना डिलीजिया का 3 मिल्क केक खिला दें आते हैं। हाँ 3 मिल्क नहीं है, 3 मिल्क जो है वो ब्राउन होगा ये मेरा, क्योंकि इसको इस बंदे को चॉकलेट नहीं पसंद है, आई थिंक सो इसके फ्रेंड्स को पता है इसलिए। आप भी नहीं खाती ना इसलिए, जिसे चॉकलेट नहीं पसंद इसलिए वाले केक है। भाई फौरन से खुश हो जाते हैं सेलिब्रेशन पे। हाँ मुझे
फ्री मिल्क केक चाहिए था, ये जो है वो उनके फ्रेंड्स के लिए भेज दिया हमने, जिन्होंने ये स्पेशली केक भेजा है हमें। और अब मैं सही वाला व्लॉग एंड कर रही, मैंने वहाँ पर कर दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आने के बाद जो है वो सेलिब्रेशन होगी। तो यहाँ पर आतिफ की कटिंग का काम कर रहे हैं, हम अब केक इन्जॉय करते हैं, इसके बाद मैं घर जाऊँगी। पूरे व्लॉग में मैं बोलती भी आई हूँ मैं घर जाऊँगी लेकिन मैं घर जा नहीं रही हूँ। तो चलो फाइनली हम केक खाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, केक बहुत यम्मी है। और बस यही मैं करते हैं अपने व्लॉग करना, तो बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।